हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मटेरियल इंजीनियरिंग में इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में आगे लीनियर डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली लीनियर डिफेक्ट्स को हम कई बार लाइन इम्परफेक्शंस, डिसलोकेशन और 1D डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। बेसिकली लीनियर डिफेक्ट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। इसमें है पहला एस डिसलोकेशन एंड सेकेंड वन इज योर स्क्रू डिसलोकेशन। इसको आप जनरली डिसलोकेशन नाम से ही जानेंगे। और इसके अलावा एक और टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड और हाइब्रिड डिसलोकेशन। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड स्क्रू। तो और ये डिसलोकेशन का मतलब ये है कि डिसलोकेशन आर एरियाज वेयर द एटम्स आर आउट ऑफ पोजिशन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, जो आपका जो रेगुलर पैटर्न है वहां से आप जो है, अगर एटम्स जो है रेगुलर पोजिशन से हटे हुए हैं तो आप उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। और डिसलोकेशंस जो है मूव करते हैं जब आप उनमें फोर्सेस लगाते हैं, वो देखेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें है एज डिसलोकेशन। बेसिकली एज डिसलोकेशन इज एन एज डिसलोकेशन इज फॉर्म बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स टू द क्रिस्टल। ठीक, तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें सपोज करिए आपके क्रिस्टल है कोई, और आपके पास यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं उस पे एटम्स हैं, और आप इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा हाफ प्लेन यानी एक जो है थोड़ा सा एक कोई और प्लेन जोड़ने की कोशिश करे, और यहाँ पे भी एटम्स होंगे फिर इसकी वजह से। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इंसर्ट करने की कोशिश करें तो ये जो है एक तरीके से ये बना रहा है आपका इम्परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो ये जो आपने अभी देखा इसको बोलते हैं एज डिसलोकेशन। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स को इसमें बीच में इंसर्ट कराया है, या फिर यहाँ से नीचे वाले एटम्स को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे तो रेगुलराइज है, सब सब जगह पे बराबर है, खाली ये जो बीच वाला है इस वाले पोर्शन में आपके एटम्स नीचे इस जगह पे, यहाँ पे एटम्स आपके नहीं है। तो आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स जो ये जो है हाफ प्लेन है इसको आप इंसर्ट कर रहे हैं इस क्रिस्टल में। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, इसकी वजह से ये इफेक्ट आता है कि जो ये जो डिसलोकेशन जहाँ पे खत्म हो रहा है यानी ये जो लास्ट वाला पोर्शन है एटम्स का, इसके आसपास वाले एटम्स जो है डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। इसके काफी ऊपर जितना 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 ज्यादा दूर इस लाइन से रहेंगे यानी इस वाले पोर्शन ऑफ एटम्स से रहेंगे एटम्स, उतने ज्यादा पैटर्न में रहेंगे। यानी ये देखिए आप, ज्यादा इसमें जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ज्यादा जो है परफेक्टली अरेंज रहेंगे। ऑन द अदर एंड जितना ज्यादा ऊपर साइड में है वो उतने ज्यादा परफेक्टली अरेंज है, बट इन दिस एरिया ये जो है काफी डिस्टॉर्टेड है। तो बेसिकली एज डिसलोकेशन की वजह से ये जो पोर्शन है काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। अब देखिए इसमें एक चीज कॉन्सेप्ट आती है डिसलोकेशन लाइन का। तो बेसिकली डिसलोकेशन लाइन आप इस तरह समझते हैं, जो जो हाफ प्लेन जहाँ पे ये जो नंबर ऑफ एटम्स जहाँ पे ये एंड हो रहा है उसके जो इस वाले डायग्राम में जो बॉटम बॉटम एटम्स हैं उसके लाइंस, अगर आप ये देखें यानी पूरे एक अंदर से 3D में अगर देखेंगे तो ये अंदर साइड में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसके पीछे एक एटम होगा, इसके पीछे और एटम होगा। और ये जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक तरह से आप लाइन समझ सकते हैं। तो जैसे ये है इस वाले एग्जाम्पल में, तो ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आपने इसमें इंसर्ट करा है, ठीक है, ये जो है इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, ये जो इंसर्ट करा है, ये जो ये वाला एटम्स हैं ये जो है डिसलोकेशन लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस डिसलोकेशन को डिनोट करने का एक तरीका है जिसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। आप इसको बेसिकली एक टी फॉर्मेट में बनाते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से बना सकते हैं जिसमें ये जो है ये जो अपर वाला जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन को दिखा रहा है,
और ये जो लाइन है वो स्लिप प्लेन को दिखा रही है। ठीक है, स्लिप प्लेन क्या होता है, ये इस तरह से एक प्लेन होता है जिसके अलोंग जो है, जिसके नीचे पे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके जो प्लेन जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये एक जो जिसमें आपकी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है और दूसरे में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा हाफ प्लेन से मेरा मतलब यही है कि जो है आप जो है एटम इस तरह से बीच में इंसर्ट करें, या तो ऐसा कर सकते हैं कि बीच से नीचे से एटम चिलेट कर दें। ठीक है, तो या तो एक्स्ट्रा एटम्स को आपने इंसर्ट करा, तो इस वजह से ये जो है इस तरह से डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपको मिला। तो ये जो है, ये जो डिस्टॉर्शन है वो एस डिसलोकेशन के अंदर काउंट होती है। अब ये उसी सेम चीज है, इसमें दिखा रखी है 3D में, ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, दिस इज योर डिसलोकेशन लाइन। ठीक, अंदर से अंदर पे गई है, क्योंकि ये यहाँ पे आपने एटम इंसर्ट करें, और ये जो आपका प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप प्लेन। जो S1 इस वाले फिगर में आपका S1, S2, S3, S4 है, ये इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये आपका स्लिप प्लेन है, ये जो है डिसलोकेशन लाइन है। ठीक है, और आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं बात करूं इस तरह से, अगर आप ये चीज देखें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि अगर मैं ये जो पोर्शन है इस वाली जगह पे, इसको हटा के अगर मैं इसको ढक दूं, तो आपको ऐसा लगेगा इसके ऊपर वाला जो है वो आपका ऑलमोस्ट परफेक्ट क्रिस्टल की तरह है। ठीक है, और इसके इस नीचे वाला पोर्शन भी जो है काफी हद तक परफेक्ट परफेक्टली दिख रहा है। बस ये जो विसिनिटी है, मतलब ये जो पोर्शन है खाली इस जगह पे जहाँ पे आपका डिसलोकेशन लाइन है, उस जगह पे ये जो है काफी काफी डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो जो जो इफेक्ट आता है वो इसी पोर्शन में आएगा आपके डिसलोकेशन की वजह से। इसके बाद आप इसको अगर इसमें शेयर फोर्स लगाएं इस डिसलोकेशन में, ठीक है, तो वो इस तरह से मूव करता है, वो इस फिगर से आप देख सकते हैं। स्लिप प्लेन है जिसके अराउंड जो है हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर साइड में आपका हाफ प्लेन है, नीचे साइड में हाफ प्लेन नहीं है। तो बेसिकली जब आप शेयर फोर्स लगा रहे हैं, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं इसमें इस तरह से, तो ये डिसलोकेशन जो है इस तरह से मूव करता है। यानी ए पोजिशन से पहले क्या करेगा, यहाँ पे ये आप शेयर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉन्ड्स जो है यहाँ पे ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से ये जो डिसलोकेशन यहाँ पास कर जाएगा, और ये वाले बॉन्ड्स ये जो है एटम्स हैं वो इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो है इस तरह से हाफ प्लेन बना लेगा। फिर से समझते हैं इसको, जब आप शेयर फोर्स लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो एटम्स हैं यहाँ से अपना बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और इनके साथ जुड़ जाए इस इन इन एटम के साथ जुड़ जाएंगे, और ये वाला हाफ प्लेन जो है फ्री हो जाएगा। सिमिलरली थोड़ा और शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो इस तरह से ये चीजें मूव करती हैं। ठीक है, तो इसको कई बार कैटरपिलर मॉडल भी बोलते हैं। तो बेसिकली कैटरपिलर आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरह से मूव करता है, ये आपने कीड़ा देखा होगा कैटरपिलर, ठीक है, रेंगने वाला होता है, तो इस तरह से ये चीजें मूव करती है। तो इसी सिमिलरली ये जो है एस डिसलोकेशन में भी जो आपका डिसलोकेशन है, इस तरह फोर्स के अंदर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, ये जो है इस तरह से फ्लो करता है। ये हुई इस तरह से फ्लो करने के बाद, इसके बाद जो है आपका जो एस डिसलोकेशन है, बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एस डिसलोकेशन एंड सेकेंड वन इज योर नेगेटिव एस डिसलोकेशन। बेसिकली कुछ नहीं है, जब दोनों सेम ही है, बस डायरेक्शन का फर्क है। जब आपका जो हाफ प्लेन है अपर पोर्शन पे हो, और जो आप इस तरह से, तो हम इसको पॉजिटिव एज डिसलोकेशन बोलते हैं। जो हाफ प्लेन आपका बॉटम पोर्शन में हो तो उसको हम नेगेटिव एज डिसलोकेशन बोलते हैं सबसे पहली बार। और इसको डिनोट करने का तरीका ये है, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन को हम लोग अपसाइड डाउन टी से, यानी उल्टा टी से डिनोट करते हैं, और जो नेगेटिव डिसलोकेशन है उसको टी सिंबल से डिनोट करते हैं इस तरह से। एक चीज वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट, कि जो आपका डिसलोकेशन है वो एक तरीके से अपने जो डिसलोकेशन लाइन है उसके आसपास जो है डिस्टॉर्शन पैदा करता है मेनली,
तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, कंप्रेसिव कंप्रेशन और टेंशन स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं इंटरनली। और तो क्या है, जो ये डिसलोकेशन लाइन गई है इन द साइड में, इसके जो अपर पोर्शन है जहाँ पे हाफ प्लेन है, उस वो जो एरिया ऑफ कंप्रेशन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, इस जगह पे आप जो है इंसर्ट कर रहे हैं अपने एटम्स, तो यहाँ पे एटम्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है, ये स्टेट ऑफ कंप्रेशन में आ गया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इस डिसलोकेशन लाइन के जस्ट नीचे वाले रीजन में क्या है, एरिया ऑफ रीजन ऑफ टेंशन बन जाता है, क्योंकि ये काफी दूर दूर एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ टेंशन बनाते हैं। तो सिमिलरली जब अगर नेगेटिव की बात करें, तो ये हाफ फ्लेम जो है नीचे बॉटम साइड में है, ठीक है, और जो एरिया ऑफ कंप्रेशन जो है उसके इस तरफ बनेगा, और अपर पोर्शन में आपका एरिया ऑफ टेंशन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो ये जो है इस तरह से ये चीजें बनती हैं। इसके बाद हमारे पास है एज डिसलोकेशन को हम लोग इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में। ये थोड़ा सा विजुलाइज करने में टफ पड़ता है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली शेयर स्ट्रेस लगाने पे फॉर्म होता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि ये किसी तरह से शेयर स्ट्रेस लगाने से फॉर्म हुआ है। तो आप ये समझिए कि आपने एक परफेक्ट स्टल, उसको इस तरह से फोर्स लगाया, तो वो जो है रिप ऑफ हो गया, यानी ये वाला पोर्शन इधर आ गया है और ये वाला पोर्शन इधर आ गया, तो ये जो है थोड़ा सा साइड में खिसक गया अपर वाला, और इन बॉटम वाला इस तरफ को खिसक गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अगर आप एटॉमिक अरेंजमेंट्स देखें इसमें, तो जो ये ब्लू, ये इसकी जो लेयर, ये जो है अपर लेयर है, वो ये दिखाई गई है इसमें। ठीक है, राइट हैंड वाले फिगर में, इसमें जो ब्लू, ये जो ब्लू कलर से डॉट्स हैं, वो आपके वो एटम्स दिखा रहे हैं जो कि डिसलोकेट नहीं हुए, जो यहाँ पे होंगे, इस जगह पे होंगे, इस वाले लेयर पे होंगे, और कौन से वाली लेयर पे, इस वाली लेयर पे ये जो गई है। ठीक है, इसमें जो अगर आप अंदर देखेंगे, तो ये जो है ये ब्लू वाली लाइन का होगा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो एटम से जो स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो बेसिकली ये जो पतली सी लेयर होगी वो छोटी सी वाली होगी 3D में, और ये जो रेड वाला पोर्शन है वो वाले एटम्स हैं जो आपका मूव कर चुके हैं। तो ये बेसिकली दीज आर द एटम। तो इसमें एक चीज आती है कि इसको हम लोग एज डिसलोकेशन क्यों बोलते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप किसी जगह पे चलना स्टार्ट करें, ये दूसरा है, आप ये हमने इसको इसी वाले फिगर को अगर मैं इस तरह से रखूं, तो आप क्या कहते हैं इसको ऊपर कर दूं, तब इस तरह से आप समझ सकते हैं ये। तो अगर आप चलना स्टार्ट करें किसी एक जगह पे, एक जगह से इसमें, तो आप अगर सिंपल लाइन भी सीधी स्ट्रेट लाइन में भी चलते रहते हैं, तो आप जो है एक इस तरह से वो बना रहे हैं, मतलब एक पोर्शन ऊपर पहुंच गए इस तरह से, यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करा आपने, और एक लेयर ऊपर पहुंच गए आप यहाँ से। ठीक है, तो आप मतलब यहाँ मैंने इस वाले लेयर पे स्टार्ट करा था और मैं एक लेयर ऊपर पहुंच गया। ठीक, सिमिलरली मैं अगर नीचे से स्टार्ट करूंगा, तो कुछ इस तरह से मैं बनाऊंगा, इस तरह से मैं ऊपर चलता चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक, या फिर मैं इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से जो है स्क्रू की तरह बना रहा है, तो इस वजह से हम इसको कई बार स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं, और इसका सिंबल डिनोट करते हैं हम इस तरह से, ये जो है इस तरह से हम लोग इसका सिंबल होता है स्क्रू डिसलोकेशन का, अगर आप जनरल उसमें लिखना, छोटे उस फॉर्म में लिखना चाहे कि स्क्रू डिसलोकेशन डिनोट करना चाहते, तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं स्क्रू डिसलोकेशन को, या फिर इस तरह से, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, अब अगर इस वाले में भी देखेंगे आप, तो अगर आप इस जगह पे चलना स्टार्ट करें, या सपोज करें ऐसे कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से आप चलें, फिर ऐसे गए आप, ठीक है, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो आप एक लेयर नीचे पहुंच गए, फिर और आप दोबारा से चलेंगे इस तरह से, ठीक है, तो आप एक लेयर और नीचे पहुंच चुके होंगे। तो आप इसको ऐसे देखेंगे, तो आप इस तरह से जो है अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ जो स्क्रू होता है आपका, जो बोल्ट होता है वो उसमें इस तरह से बना होता है, इस वजह से इसको स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं।
इसके फोर्सेस की बात करें तो ये जो है जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो ये डिसलोकेशन, ये आपका डिसलोकेशन लाइन है इन दिस केस ऑफ एज डिसलोकेशन। तो इस तरह से जो है डिसलोकेशन मूव करता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्क्रू डिसलोकेशन की बात करूं तो वो किस इस तरह से मूव करता है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट दोनों का आप देख रहे हैं सेम है, बट जो मोशन का तरीका है वो डिफरेंट है। वो इस तरह से जो एटम्स जो है मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है हमारे पास, ठीक है, और ये जो ऊपर वाले पोर्शन है वो कौन सा है, वो एटम्स हैं जो मूव कर चुके हैं। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, डॉटेड लाइन इज योर दो दोज लेयर जो कि जो है अभी मूव करना स्टार्ट हो रही है, और ये जो पोर्शन है मूव नहीं कर रहा है, जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये और मूव करेगा। तो इस तरह से आप ये आपका स्क्रू डिसलोकेशन में, और ये जो है आपका कैटरपिलर की तरह मूव करता रहता है लेयर जो है किस किस वाले में, एज डिसलोकेशन वाले केस में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जब आप इसमें, तो ये बात रही कि ये हुई, ये दो टाइप्स के हुए हैं डिसलोकेशन, एक हुआ एज डिसलोकेशन, सेकेंड वन इज स्क्रू डिसलोकेशन। अब इसमें जो अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दें तो वी विल गेट द मिक्स डिसलोकेशन, और हाइब्रिड भी बोलते हैं इसको कई बार। तो बेसिकली जो है जनरली जो भी, हमेशा ये जरूरी नहीं है, या फिर ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि स्क्रू और एज डिसलोकेशन अकेले अकेले नहीं आते हैं, वो जनरली कंबाइन होकर आते हैं, मतलब एक ही क्रिस्टल के अंदर बहुत ये दोनों एक साथ आए। तो वो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस ये वाला पोर्शन है स्क्रू डिसलोकेशन है, यहाँ पे जो है आप एक्स्ट्रा प्लेन भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा ये जो एक्स्ट्रा प्लेन है एटम्स की, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एटम्स होंगे। तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्क्रू एंड एज डिसलोकेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कई बार मिक्स डिसलोकेशन और हाइब्रिड डिसलोकेशन बोलते हैं। तो आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर, दीज आर द रेफरेंसेज विच आई यूज टू मेक दिस प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू।